चलो यार जल्दी करो, तैयार हो जाओ। ये क्या है यार, इस्त्री करते हुए देखा नहीं बटन टूटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कभी आपको भी ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ा कि कहीं जाना हो और जब आप तैयार होने लगे तो देखा है कि कपड़ों के बटन कोई टूटा हुआ गिर गया था? और अगर आपने खुद कपड़े सी किए हैं, अगर आप खुद कपड़े सी करते हैं, उमन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हमारे घरों के काम औरतें करती हैं, तो आपको ये पता नहीं होता और फिर बाद में ये होता है कि गुस्सा उन्हीं के ऊपर निकाला जाता है। और यार तक के कपड़े करने सन है के तरीका का रे है, और अमूमन हम होते ही हमेशा पाकिस्तानी जल्दी में, तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर लड़ाई की जाती है कि यार ये क्या कर दिया, मेरा टाइम ज़ाया कर दिया, और फिर गुस्सा निकाला जाता है अम्मी के ऊपर, बहन के ऊपर, बीवी के ऊपर। और अगर आप माशाल्लाह औलाद वाले हैं तो बच्ची बड़ी है तो बेटी के ऊपर गुस्सा निकाला जाएगा कि यार ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने देखा नहीं था। और ऐसे भी होता है बाज़ू का कि कपड़े सी करके उन्होंने तैयार करके आपके दे दिए थे और उस दौरान में बटन कहीं गिर गया। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उनके साथ लड़ें नहीं, आप बटन खुद लगाएं। मैं काफ़ी छोटा था उस वक्त से मुझे बटन लगाना आता था, और आज की वीडियो में मैं आपको बटन लगाना सिखाऊंगा। और ये औरतों के करने के काम नहीं होते, ये नबी, रसूल, औलिया अपने काम सब खुद करते थे। हत्ता कि पैगंबर आखरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने तमाम काम खुद करते थे, अपने हाथ से फरमाते थे, अपने कपड़े सी लेते थे, हत्ता कि अपने अगर जूते उनके टूट जाते थे तो वो उसको भी सिलाई फरमा लेते थे। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे तो हम क्यों नहीं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपका बटन है जो आपसे गिर के टूट गया, इससे आपका कोई मैचिंग बटन स्पेयर आपके पास पड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा बटन लगाएंगे तो वो तो यकीनन नजीब ही लगेगा। तो उस सूरत में कि अगर आपके पास अपने कपड़ों जैसा मैचिंग बटन मौजूद नहीं है तो आपने ये कोशिश करें कि आप अगर शर्ट आए तो शर्ट में नीचे वाले हिस्से से आप बटन ले सकते हैं ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि वो तो वैसे भी पैंट के अंदर चला जाएगा। और अगर आप रेडीमेड कपड़े लेते हैं तो उनके साथ अमूमन आपको एक थैली में एक्स्ट्रा बटन मिलते हैं, आप उसको संभाल के रखें, उनको कपड़ों के अंदर की तरफ कहीं पर सी लें। या अगर आपने कपड़े सिलवाए हैं और आपने उनको बटन दिए हैं खुद बाज़ार से ख़रीद के या वो खुद लगा रहे हैं, तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि एक दो बटन एक्स्ट्रा वो आपको साथ में फरहम कर दें और वो आप अपने कपड़ों के साथ अंदर की तरफ सी लें। मैं अमूमन अपनी जेब के अंदर वाले हिस्से की तरफ अपने बटन सी लेता हूँ, या शर्ट हो तो उसके शर्ट के नीचे वाले हिस्से में अंदर की तरफ बिल्कुल नीचे, ताकि वो पैंट के अंदर आ जाए और पता भी ना चले। वहाँ पे जो इजाफी बटन होते हैं मैं सी लेता हूँ, तो अगर इन केस मुझे कभी ऐसी मुश्किल से गुजरना पड़े तो मेरे पास स्पेयर बटन अमूमन होते हैं। यकीनन सब घरों में धागे, सुई धागे तो मौजूद होते हैं। आपने इसमें से कोशिश करना है कि जो सबसे करीबी रंग हो उस रंग का आपने धागा ले लेना। वैसे भी ये बटन ऐसा है कि जब मैं इसको लगाऊंगा तो इसमें से ऊपर से क्योंकि धागा नहीं गुजर रहा तो मैं किसी भी रंग का धागा इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसमें से धागा ऊपर से गुजरता है, जिसके ऊपर सुराख होते हैं तो उसमें अमूमन रंग नज़र आने का चांस होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये दूसरा बटन है तो इसमें ऐसा कोई भी मामला नहीं है। इसमें जो बटन लगाने वाला हिस्सा है वो नीचे है, तो इसलिए मैं इसको किसी भी रंग के धागे के साथ लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो जब सबसे करीबी रंग है मैं उसी के साथ बटन को लगाऊँ। और इसके बाद आपको यकीनन एक सुई भी चाहिए होगी यकीनन बटन लगाने के लिए। अमूमन जो सुई में धागा डालने का तरीका यह है कि
इसको मुंह से थूक लगा के गीला करते हैं और फिर इसमें दाखिल करते हैं, उससे एक तो ये है कि जो इसका ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये जो इसमें लचक है वो ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा ये सख्त हो जाता है, और उसके अलावा ये जो इसके निकले होते हैं जैसे बाल से छोटे छोटे से वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप इसको अगर ज़रूरत है तो आप इसको एक कटर के साथ आप इसको या किसी कैंची के साथ थोड़ा सा काट लें, फिर ये एक जैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो आपको सुई में धागा डालना आसान हो जाता है। ठीक हो गया, फिर आप जितनी एक मकदार चाहते हैं एक अंदाजे से आप ले लें, और अगर आपको ये लगता है कि धागा कमज़ोर है तो आप इसको पहले डबल कर लें और फिर आप इसको सुई में दाखिल कर लें। और अगर आप इसको ऐसे डबल करते हैं धागे को, ठीक है, अब ये देखेंगे धागा मैंने डबल कर लिया ताकि ये मज़बूत पकड़ और टूटे नहीं, तो फिर आपको इसको यकीनन गर्म गीला करना पड़ता है ताकि दोनों सिरे एक साथ सुई में आप दाखिल कर सकें। उसके बाद आपने इसको बराबर करने के बाद इसको गिरा लगा लेनी है। ओके, मोमन तो ऐसे होता है कि आपने जहाँ से आपका कमीज का धागा गुजरा होता है, बटन वगैरह लगा होगा, तो वहाँ पे छोटे छोटे से सुराख बन जाते हैं जिससे ये आसानी रहती है ये जानने में कि क्या यहाँ पे बटन लगा हुआ था और दोबारा बटन कहाँ पे लगाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप सिंपली इसको अपने जो काज को सीधा कर लें, पट्टी को सीधा कर लें, बाकी बटन बंद कर लें, और आप इसको खींच के रखें और आप यहाँ पे एक निशान भी लगा सकते हैं पेन के साथ। और अगर आपके पास पेन नहीं भी हो तो मसले वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको काज को अपने बराबर करने के बाद आप सुई को इसमें से दाखिल कर लें। देखें बिल्कुल उसी जगह पे आया जहाँ पे मैंने पेन से निशान लगाया था। उसके बाद आपने इसको इसमें दाखिल करना है और ऊपर की तरफ ले आना है, क्योंकि बटन तो यकीनन आपने ऊपर की तरफ ही लगाना है, और उसके बाद आपने इसको अपने बटन में दाखिल कर लेना है, ठीक है, और
उसके बाद आपने इसको दोबारा से कमीज़ में कपड़े में गुजारना है। और इस तरीके से आप अपना बटन लगा सकते हैं। ये मल आपने दो तीन दफ़ा दोहराना है, डिपेंड करता है कि आपके पास धागा कितना है, क्योंकि एंड पे आपने इसको गिरा भी लगानी है ताकि बटन दोबारा गिरे नहीं और ये धागा उसको मजबूती से पकड़ के रखे। और आखिर में आपने इसको ये धागे के बीच में से या कपड़े के बीच में से गुजार के इसको छोटी सी गिरा बना के गिरा लगा लेनी है। इससे ये गिरेगा नहीं, धागा टूटेगा नहीं और ये मजबूती से आपके कुर्ते को, आपके कमीज़ को, आपका बटन पकड़ के रखेगा और इंशाल्लाह आपको दोबारा इस परेशानी से गुज़रना नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जनाब, जो फिर बाकी आपका धागा रह गया इसको आप कटर के साथ या फिर कैंची के साथ या आपके पास कोई ब्लेड है तो उससे काट लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम इस परेशानी से तो नहीं गुजरना पड़ेगा कि अगर आपके कमीज़ के बटन गिर गए हैं तो आप को किसी को कहना नहीं पड़ेगा, घर में किसी से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और आपको इस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा कि यार घर में कोई है नहीं कोई जो मुझे बटन लगा दे। तो आप ख़ुद से आसानी से बटन लगा सकेंगे और आपको किसी से लड़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो चीज़ें आपने घर से ली होंगी, सुई धागा कैंची जो भी चीज़, तो वो आपने जहाँ से लिया है तो वो आप वहाँ पर वापस ज़रूर रखिएगा, वरना फिर ज़रूर आपकी घर वालों के साथ लड़ाई हो सकती है कि वो कहेंगे कि भाई तुमने ये खलारा ज़रूर डालना था, आप हमें बता देते, हम कर देते। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि घर वालों से लड़ाई नहीं करनी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई खातून और आप ये वीडियो देख रही हैं और आपके घर के मर्द आपको छोटे छोटे कामों के लिए तंग करते तो उनको बताएँ कि भाई ये देखें, आप वीडियो देखें और आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लिबास पहनने का, अपना ग्रूमिंग का शौक हो तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि आपने अपनी चीज़ों को संभाल के कैसे रखना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।